नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सासाराम की, जहां बड्डी ओपी थाना अंतर्गत करारी गांव से एक वृद्ध का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान करारी गांव निवासी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक दो दिनों से घर से लापता था। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। क्या घटना घटी है? पिछले कई दिनों से लापता थे। हाँ, बहुत खोजबीन किया परंतु शव नहीं मिला। कुछ दिन उपरांत करारी गांव में खेत में इनका लाश मिला। लाश मिला तो पोस्टमार्टम के लिए हम लोग लाए थाना के अंतर्गत। कौन थाना? बड्डी ओपी। आपका नाम? हनुमान सिंह, चौकीदार। खबर रोहतास जिला के दिनारा थाना अंतर्गत विश्रामपुर गांव से है, जहां दूषित भोजन खाने से एक ही परिवार के पांच बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सभी बीमार बच्चों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। वहीं इलाज के बाद डॉक्टर ने बताया कि सभी की स्थिति चिंता से बाहर है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। क्या हुआ है? हुआ है कि जो खाना काल खाए हैं 10 बजे। हाँ। 10 बजे के बाद इसको 1 घंटा के बाद तबीयत इसका खराब हो गया। हाँ। उल्टी पैखाना हो गया तो सासाराम लाए हैं सदर अस्पताल में दवा कराने के लिए। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। सब एक ही घर के बच्चे हैं? सब एक ही घर के बच्चे हैं। कौन गाँव? विश्रामपुर। आपका नाम? गोरख शाह। बेगूसराय में डीएवी के छात्र के अपहरण और हत्या के खिलाफ छात्र राजद ने कैंडल मार्च निकाला और छात्र की आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। वहीं पुलिस प्रशासन से बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। दरअसल सिंघौल थाना क्षेत्र के विनोदपुर गांव से 26 अगस्त को इंटर का छात्र ऋतुराज अपने घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं आया और उसकी शव हाथीदह थाना क्षेत्र से बरामद की गई। छात्र राजद की मांग है कि अगर 5 दिनों के अंदर बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बेगूसराय डीएवी के छात्र ऋतुराज की अपहरण करके हत्या कर दिया गया। आज हत्या का 16वें दिन होने चला। बेगूसराय पुलिस के द्वारा आज तक कोई खुलासा नहीं किया गया कि कब अपहरण किया गया, कब हत्या किया गया। हम लोग छात्र राजद पिछले दिनों रोड पर उतरने का काम किया था और आज छात्र ऋतुराज की आत्मा को शांति को लेकर हम लोग कैंडल मार्च निकाले। सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि आज 16वें दिन हो चुका है और पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई खुलासा नहीं किया गया। खबर मसौड़ी के धनरुआ थाना क्षेत्र के वीर ओरियारा गांव की है, जहां वज्रपात से 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही धनरुआ थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वह बात मसौड़ी की कर लेते हैं, जहां मसौड़ी के एक कोचिंग संस्थान का फेसबुक और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि शिक्षक दिवस के अवसर पर सारी मर्यादा को भूलकर भोजपुरी गानों पर शिक्षक महोदय छात्रों और छात्राओं के साथ जमकर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि बिहार न्यूज नहीं करता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं सहरसा जिले के कहरा प्रखंड में कड़े सुरक्षा के बीच 12 पंचायतों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, वार्ड पंच, वार्ड सदस्य कुल 5 पद के लिए कहरा प्रखंड मुख्यालय में नामांकन दाखिल किया जा रहा है। वहीं जिला परिषद पद के लिए सदर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन पर्चा दाखिल किया जाएगा। बता दें 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। वहीं 29 सितंबर को मतदान होगा। पदवार अपना नामांकन लेंगे, पदवार वो नामांकन लेंगे और उसके साथ जो टीम होगी उसके नीचे वो इंटरनेट करेंगे। देश सेवा की जज्बा ग्रामीण क्षेत्र में देखी जा रही है। युवा वर्ग के छात्र छात्राएं सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल प्रखंड के
चैता हाई स्कूल में सेना भर्ती फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर पर छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। वहीं ट्रेनिंग सेंटर पर स्थानीय विधायक सह पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह पहुंचे और ट्रेनिंग कर रहे छात्र छात्राओं का हौसला अफजाई किया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इस जज्बे के साथ आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके स्वस्थ जीवन के लिए। दीपक भाई साहब ने कहा कि भाई अब कबड्डी ओलंपिक में आने वाला है और अब मिट्टी पर भी मैच पर होना है। और बात मोकामा की कर लेते हैं। मोकामा में घुसवारी प्रखंड को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर पीड़ित ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। इस धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी शिरकत किया। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों की शिकायत है कि लोकल अधिकारियों ने इलाके की सही तस्वीर पेश नहीं की है, लिहाजा घुसवारी प्रखंड को आज तक बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। बाढ़ ग्रस्त क्यों नहीं घोषित किया गया, हम लोगों को राहत क्यों नहीं दिया गया? साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिला अधिकारी जी से निवेदन है कि हमारी समस्या को समझें, हमारी माताएं बहनों को देखें, कितनी मुश्किल से ये लोग इस त्रासदी को झेल रही है। खाने का ठिकाना नहीं है, मवेशियों को चारा देने का ठिकाना नहीं है, हर तरह से मुश्किल ही मुश्किल है, कहीं भी कोई तरह का राहत नहीं है। जबकि हर बहुत सा प्रखंड में बहुत तरह का राहत दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। हम लोगों के क्या, हम लोग क्या बिगाड़े हैं, हमारी क्या मुश्किलें हैं साहब, कि हमको कुछ दिया नहीं जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अब बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।